पूरी तरह से मुस्ते तैयार करते हैं और शिविर लेट पर एक जीरो की बढ़त और हमें लग रहा खेल किक जो होगी वो इंटरनेट होगी बारी बारी से पहला किक पेनल्टी के रूप में जीत प्रदेश की ओर से नंबर 9 मार्कस मंच के दाहिने और हमारे पूर्व दर्शक आप डिसिप्लिन दर्शक हैं कृपया थोड़ा सा सहयोग प्रदान करेंगे ये जो जगह बनी हुई है महिलाओं के लिए इसलिए आप वहां ना रहे तो बेहतर होगा मार्कस का एक शानदार गोल राइट साइड में लेफ्ट लेग से जरूर डाले थे वहां और कोई मौका नहीं मिला गोलकीपर को सेकंड शूट आउट करना है एफसी की ओर से नंबर 9 इंद्रजीत जी क्या कहना चाहेंगे फिर से मैच टाई हो जाएगी पेनल्टी में भी और गंगाराम जी आप देखिए यहां पर सुनेर की जो उम्मीद है वो अपने उम्मीद के मुताबिक यहां पर अपना कारनामा दिखा रहे हैं और हम जो अनुभव के आईने में जो हम यहाँ से थोड़ा सा कहना जल्दबाजी बात होगी क्योंकि सारे कुछ करता करता तो सुधर ही है बाकी सिर्फ उनके द्वारा किया गया खेल को ही हम सिर्फ आकलन या तो उसको पल पल की घटना को हम सीधे रिले कर रहे हैं लेकिन यह दर्द ही मिस कर गए हैं गोलकीपर के आए हुए थे उनके काफी करीब से गोल निकल चुकी थी सेव हो सकती थी इस तरह से 2-1 बढ़त अनन्य एफसी की ओर से दूसरा शूटआउट जीत प्रवेश की ओर से नंबर 4 नारायण की ओर से वो बात करना नहीं चाहेंगे अपनी टीम के लिए गोलकीपर उतने ही मुस्तैद अनन्य एफसी के और यहां पर गोलकीपर का अच्छा लाजवाब जंप पहना हुआ है और गोल को पंच आउट कर दिए हैं के पानी लाद नंबर 8 की ओर से यह अंतिम शूटआउट पेनल्टी का तीसरा किक कहना होगा और इसके बाद सेकंड से फाइनल आप सबों के बीच में मैदान के बीचों बीच नेक्स्ट मैच जो है वो एक सेकंड से फाइनल है और यहां पर खबर ठीक नहीं है चंद्र की ओर से आज फाइनलिस्ट विजेता को 20,000 से नहीं थोड़ी बहुत राशि कमी की गई है और इस सीधे नेट पर और इस तरह से जैसा कि हमें और एक भाई वो फल्ला टेप है चलती हुई मैं इसके लिए जरूरत नहीं पड़ेगी विजेता टीम चलते हुए मैच में कौन बनेंगे भाई भाग्यशाली विजेता और अनन्या